हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। आप देखो इजी टू पॉइंट। तो इस वीडियो में हम लोग डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम के ऊपर बातें करेंगे। देखो जो स्टूडेंट सेकेंड सेम में, फोर्थ सेम में या फिफ्थ सेम में सभी आ चुका है, तो वो लोग क्या इस साल जो उसका जो बैक पेपर होता है वो एग्ज़ाम दे सकता है कि नहीं। क्योंकि देखो आप लोगों को पता ही होगा, जो ममता बनर्जी ने एक बड़ा अपडेट किया था, जो हमारे जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा वो एक्सटेंड कर दिया जाएगा, प्रमोट कर दिया जाएगा नेक्स्ट सेमेस्टर में। तो आप लोगों का अगर एग्ज़ाम होगा, वो मैंने पहले जो वीडियो आया था आप लोग जाकर देख सकते हो, आई बटन मिल जाएगा, उसमें सारा कुछ डिस्कस कर दिया है। आई थिंक सभी प्रॉब्लम आपको खत्म हो जाएगा उस वीडियो को देखकर। बट अब आते जो जो बच्चे सप्ली आ चुका है, बैक आ चुका है कोई भी पेपर में, तो वो लोग क्या करेगा, उन लोगों का अलग से एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, क्या क्लियर कर देगा या एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो सारी जो भी प्रॉब्लम आप लोग मुझे बोल रहे हो, तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों को समझा रहा हूँ। देखो वो जो एग्ज़ाम होगा तो कैसे होगा, तो आप लोग देखो। तो देखो आप लोगों का जो इवेंट सेमेस्टर होता है वो जून में होता है, बट लॉकडाउन के चलते जो एग्ज़ाम जून में नहीं होगा, आई थिंक वो एक्सटेंड कर दिया जाएगा। एक्सटेंड कर दिया जाएगा। अगर कंबाइन करता है फिर भी वो जो अगर सेकेंड सेम एंड थर्ड सेम एंड फोर्थ सेम एंड फिफ्थ सेम कंबाइन भी कर देता है नेक्स्ट सेम में, तो भी आप लोगों को जो सप्ली एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे दोगे? देखो जो फोर्थ सेम में सप्ली आया है, सेमेस्टर के आया है, उस उन लोगों का बता देता हूँ। वो लोग जब भी ये जो इवेंट सेमेस्टर ऑर्गेनाइज होगा, उसके साथ साथ ही जो आपका बैक पेपर कंप्लीट हो जाएगा, बैक एग्ज़ाम होगा उनके साथ साथ ही। एंड जो फिफ्थ सेमेस्टर में सप्ली आता है, वो फिफ्थ सेमेस्टर एंड सिक्स सेमेस्टर दोनों एक साथ होता है, आप लोगों को पता ही होगा। अगर नहीं पता तो इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। इस वीडियो पूरा मैं बताया था कि क्या फोर्थ सेम, फिफ्थ सेम एंड सिक्स सेम में जो भी सप्ली आता है तो कैसे वो कंडक्ट करता है, ठीक है, कब से कब ये एग्ज़ाम होता है। तो आप लोगों को मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि जो सप्ली एग्ज़ाम होगा वो सेकेंड एंड फोर्थ सेम जो इवेंट सेमेस्टर जब भी ऑर्गेनाइज होगा उसके साथ होगा। एंड जब आते फिफ्थ सेमेस्टर कब होगा, जो सिक्स सेमेस्टर हो जाएगा, इवेंट सेमेस्टर जब हो जाएगा उसके एक महीने बाद। क्योंकि देखो आप लोग बता दो, जो फिफ्थ सेम एंड सिक्स सेम का जो एग्ज़ाम होता है वो सितंबर में होता है, जैसे कि 2019 में भी 23 सितंबर को हुआ था। तो इस साल को भी अगर एक्सटेंड नहीं करता तो सितंबर में होगा। तो जो भी बच्चा फिफ्थ सेम एंड सिक्स सेम में सप्ली आता है, तो आप लोगों को जो सितंबर में एग्ज़ाम होगा, एंड जिस बच्चों को जो सेकेंड सेम एंड फोर्थ सेम में हुआ था, उन लोगों को जब भी ये जो इवेंट सेमेस्टर टू सेकेंड एंड थर्ड इवेंट सॉरी फोर्थ इवेंट सेमेस्टर होगा, ऑर्गेनाइज होगा, तब आपको जो ये अलग से देना पड़ेगा ये सप्ली एग्ज़ाम। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा भी हेल्प अगर होता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड ऐसे अपडेट पाने के लिए हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखिए। क्योंकि बहुत सारे जो बीटेक एंड डिप्लोमा एंड जीनेट का बहुत सारा अपडेट आ रहा है, मैं वीडियो को तो बताऊंगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो बाय, टेक केयर।